आसपास ही कहीं जा नहीं रहे, जैसे गोवर्धन सागर में आसपास घूमेंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको जरूर बताएंगे। गाना भी दूध फटी अब ठीक है बराबर। ये भाई साहब को मैं चाय पिलाई जो भी दूध फटा फटा। तो हमारे बड़े सेठ जी और हमारे छोटे सेठ जी दोनों आए हैं। एक सेठ जी सीधा 14 से सीधा उधर ही चल गया था भाई जी ने प्रताप नगर से। लखपति तो बनूंगा। हाँ करोड़ों लाखों में तो खेलेगा भाई। और मैं यही रह गया, मैं तो रुपयों में ही खेल रहा हूँ। हाँ जी कैसे हो आप लोग सब। तो टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और अपन उठ चुके हैं कब से, बट लेटे लेटे फोन में कुछ ना कुछ कर रहे थे। और पीछे आ रही है देख सकते हो बाहर मौसम कुछ औसम सा और शानदार सी हो रही है बारिश है ना। और घर की हो रही है पिलाई है ना, तो अच्छी बात है। पानी के साथ पानी चल रहा है तो घर पे मजदूर को ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, पानी वानी अच्छे से लग जाएगा उस पर। और तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर ब्लॉग एंड अनदर एपिसोड। तो कैसे हो आप लोग सब। तो अपन फर्स्ट में सुबह सुबह आपको चाय बनाए तो मिलेंगे। दूध पड़ा है अपना जो घर से लाया था भैया कल परसों, वो दूध अभी भी चल रहा है अपने। 1 लीटर से ऊपर लाया था, चल रहा है वो 1 लीटर होगा है ना नॉर्मल सा। तो चलो चाय वाय बनाते फिर मिलते हैं। ऊपर जाते हैं, ऊपर हालते भी भर गए होंगे, उनकी भी सफाई करनी पड़ेगी। तो इसी बात पर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज थोड़ा सा मन था घूमने का, बट बारिश शायद मुझे लगता है मौसम अपना साथ नहीं देगा आज, क्योंकि 48 घंटे का अलर्ट दे रखा है। तो चलो कोई बात नहीं, घूमना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बारिश बहुत ज़रूरी है भैया। ठीक है तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो अपन रोज तो बनाते हैं कॉफ़ी और आज बनाएंगे चाय, कॉफ़ी भी है इसमें थोड़ी सी। और बाहर जाएंगे तो बारिश हो रही है भैया, सुबह सुबह भीग जाएंगे। तो आज बनाएंगे अपन इंडिया की सबसे फेवरेट है ना टी चाय, पीनी है तो कमेंट बॉक्स भर दो बिल्कुल। हाँ पीनी है तो एक दिन जरूर मिलाएंगे और आपको रजवाड़े की चाय पिलाएंगे ना। मेरे हाथ की नहीं पिलाएंगे, मेरे हाथ की पी लेना तो लाश चाय हो गया, समझ रहे हो। बात को समझो, जज्बात को समझो। और यार मैं तो शायर बन गया तो कोई बात नहीं, शायर तो अपने हैं बचपन से, कभी कुछ बोल जाता है ना। तो अच्छी चाय बन रही है देखो, आपको बताता हूँ मस्त मजा आ रहा है देख के है ना, ये देखो शानदार सी है ना। और उसके बाद बस बैठे बैठे कुछ करेंगे अपना काम वाम करेंगे, काम शाम निपटाएंगे यार है ना। और ये गुरा गुरा के दिख रहा हूँ, हैंडसम सा दिख रहा हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, हैंडसम तो है अपन है ना, मजाक कर रहा हो है ना। खुद की बड़ाई वैसे कर लेनी चाहिए भैया, खुद की बड़ाई कर लेनी चाहिए। और बाहर इतनी बारिश में भी लोग कहाँ जा रहे हैं, आज तो संडे यार, फंडे करो घर पे, पकौड़ी वकौड़ी बनाओ। अपने तो कुछ ऐसा है नहीं माहौल, अपन तो अकेले रहते हैं, 2 रोटियाँ मिल जाए वो हो गए अपने लिए है ना। तभी सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए अपन सैंडविच बनाते हैं ना, 10 मिनट बन जाएंगे सैंडविच, 5-10 मिनट में सैंडविच बना लेते, सैंडविच खाएंगे फिर बाद में छोले और चावल खाएंगे। छोले भी मैंने बॉईल रख दिए क्योंकि मैंने परसों रात से भिगा रखे थे छोले, कल सुबह बनाऊंगा यहीं करके। फिर कल का सेट नहीं हुआ, कल का पूरा दिन बिजी हो गया, शोरूम वाले दिन खा गए। तो ये ब्लॉग जरूर देखना, इससे पहले वाला शोरूम वालों ने क्या किया मेरे साथ आपको पता चल जाएगा है ना। चाय यार क्या प्यारी चाय बनी थी है ना, मज़ा आ गया चाय पी के, मज़ा आ गया, शानदार से चाय बनी थी। ऊपर जाते हैं एक बार सफाई करके आते हैं, सफाई क्या करनी मतलब नाल दे साफ कर लेते हैं ना। मुझे लग रहा पानी भरा होगा, मैंने साफ किए तब रात को तेज बारिश आई है, सुबह भी तेज बारिश हुई है। अरे वाह ये तो कमाल हो गया, अभी नहीं भरा है भैया, इसका मतलब अपने मिशन सक्सेसफुल रहा, पर वहाँ पे भर रहा है धीरे धीरे। तो चलो कोई बात नहीं, कैमरे के ऊपर रखेंगे हाथ और इसको यूं करके साफ कर लेंगे। कैमरे के ऊपर हाथ रख के फिर जा रहे हैं ना, और बारिश तेज हो रही है भैया, कोई ऐसा दिख नहीं रहा है बाकी हो रही है। और ये और हमारे ये देखो ये और ये ऐसा हो रहा है, ये फट रहा है यार है ना। यहाँ पे पुट्टी करवाई थी भैया ने, तो पुट्टी से वापस आ रहा है बाहर, सीमेंट और पुट्टी दोनों करवाई थी, बाकी नॉर्मल था पहले ये, और ये बारिश में गिर गया। अब अपने बन गए सैंडविच है ना, थोड़े से जल गए, लफड़ा हो गया, गैस फूल हो गया, सैंडविच काले हो गए दोनों साइड से, इधर ठीक है थोड़ा, इधर भी ठीक है थोड़ा है ना। तो उधर ज़्यादा जल गया हुआ है, गैस तेज हो गई, मैं इधर साइड आ गया कुछ करने,
तो इतने में जल गए। चलो कोई बात नहीं, वैसे इतने नहीं जले, हल्के हल्के ऊपर से जले, तो खा ले तब क्या करे, जैसा ही मिले। मैं कह रहा हूँ पकड़े वकड़े अपने नसीब में नहीं है, अपने नसीब में जला फूला कर दे ना, रोटी मिल जाएगी खूब अपने लिए। तो चलो एक बार खा लेते खान, ये ब्रेकफास्ट करते फिर अपना दूसरा काम करते। और अभी देख रहे अपने जब तक पाजी के लोग देख रहे हैं ना, तो हमें दो जने मेले से बालवाड़ से यहाँ को नहीं देता, यहाँ तेको दे देता किराया। चल तेको 5,000 में दे देता हूँ किराया। पीछे खुला है ना, क्या क्या लगे खीर पूड़ी, मजा आ गया आज तो। क्या खीर पूड़ी? ये छोले मैंने बॉईल कर दिया सुबह उठते ही। और हमारे देखो ए दोनों को गाड़ी चलाने नहीं आती, दोनों अंदाजी आ गए। वाह, दोनों को गाड़ी चलाने नहीं आती है, लद्दाख में गाड़ी चला आज तक नहीं देखा है मैंने इनको गाड़ी चलाते हुए। ऑफरोडर राइडर हूं मैं। अरे लद्दाख में गाड़ी चलाते हैं, इसका भी वेंटिलेशन सही है। आ गए दोनों, और अभी एक तो निकलेगा एक यहीं रहेगा। तो चलो अभी खाना वाना क्या लाए ये देखते हैं अपन, और फिर उसके बाद खाते हैं। तो हमारे बड़े सेठ जी और हमारे छोटे सेठ जी दोनों आए हैं। एक सेठ जी सीधा 14 सीधे उधर ही चले गए, भाई नहीं प्रताप नगर से लखपति तो बनूंगा। हाँ करोड़ों से लाखों में तो खेलेगा भाई, और मैं यही देखा मैं तो रुपयों में ही खेल रहा हूँ। ये गरीब का गरीब ही रहेगा देख लो। एक जमाने में हम भी गरीब हुआ करते थे। रात करोड़पति बन गए। और ये बेचारा ऐसे कैसे रह गया हमारे चाय वाला छोटू, छोटू चाय वाला 21 दिन में पैसा डबल, ये 21 दिन में पैसा डबल करता है। ये 7 दिन में करता है। अभी 5 बजे भाई की ऑफिस जाना है, अभी थम्बम लगेगा वहां जाकर। गाय का दूध निकलता है मैं 90 रुपए लीटर देता है, और घी 2,000 रुपए लीटर किलो। सही है ना, महंगा जाएगा ना भाई घी और ये। तो इधर पानी नहीं आ रहा दूध में, इनको देते ही नहीं मैं। लोकल कस्टमर को नहीं देता हूँ मैं। बाइक ने मैं दूध बुक किया था इनके पास से, तो इन्होंने 10 दिन बंद कर दिया, पता पड़ गया। गाय का दूध पतला होता पर इतना भी पतला नहीं होता। झूठ बोल रहे, हालांकि मैं देता ही नहीं हूँ। व्यवहार खराब होता परिवार में देने से। मतलब ये सही चीज़ है, बता बहुत सही है। मतलब दाना भी दूध फटी भी। अब ठीक है बराबर, ये भाई साहब चाय पिलाई जो भी दूध फटा फटे चाय की जो फटा दूध होता है उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, पता है वो पनीर बनने वाला होता है इसलिए। अच्छा, नहीं पीनी पीनी नहीं, थोड़ी देर पहले पी थी। ये दूध अभी जोनी लेके आया ना घर से, जोनी का वो आपने वो स्लो मोशन पे कर दिया था उसको जोनी। तो आपने नहीं ना ठीक है, जोनी घूमने क्या दस क्या 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 क्या। तो अभी गुलाब सर गए हैं, ठीक है वो गए हैं, और अभी चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। थोड़ा सा सोच रहा हूँ फतेह सागर रानी रोड से जाते हैं ना, या उससे भी आगे जाते कहीं पे भी जाते, चलो देखते हैं कहाँ पे जाए क्या करे, जो भी है जैसा भी है ना, बस जाके आते हैं। हल्की हल्की बूंदाबूंदी हो रही है, तो इसलिए अपन मोटो व्लॉग नहीं करेंगे, पर कैमरा लेके जाएंगे साथ में, अपना जो पाउच है साइड पाउच आता है वो ले लेंगे साथ में, जो बैग आता है साइड वाला वो ले लेंगे है ना, तो उसके अंदर डाल देंगे इसको, थैली भी रखेंगे थैली के अंदर करके फिर डाल देंगे, ताकि क्या है ना बिगड़ेगा नहीं, कभी पानी वानी भी नहीं घुसेगा ज़्यादा बाहर से, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना। अरे यार जाना था बाहर, सब लफड़ा हो रहा है यार, देखो बाहर बारिश आ रही तेज, ये देखो तेज बारिश, तो अपनी फैन यूज़ करिए और दोनों वो हो रही है ना, और जोनी गया बाहर ही है, जोनी घूमने गया है, क्या पता कहाँ है, फोन नहीं लगा उसका, पर आ जाएगा रायगढ़ साइड गया है। बहुत टाइम बाद बारिश हो रही है अच्छे से, मतलब इस मानसून की फर्स्ट बारिश ऐसी है, मतलब जो कल से परसों से स्टार्ट है, मतलब ठीक ढंग से है ना, ढंग से स्टार्ट है ना, देख सकते शाम से ये ऐसे नहीं से पूरी रात रखें, फतेह सागर सब फूल हो जाएंगे, फतेह सागर ये सब जिले फूल है ना। फिर अपन थोड़ा सा एक्सप्लोर करने निकलेंगे, जैसे बड़ी तालाब है, फिर मदार डैम है, सब जगह मतलब जा जा भी है। एनर्जी लो लो हो रही मेरी आज,
एनर्जी लो इसलिए हो रही है, घर में पड़े पड़े है ना, घर में पड़े पड़े एनर्जी लो हो रही है मेरी। तो कल तो आपको मोटर ब्लॉग देखने मिलेगा, कल अपन जाएंगे और फिर वापिस आ जाएंगे। कल सुबह 6 बजे निकलना है, सुबह जल्दी निकल जाऊँगा और जल्दी वहाँ से फिर निकलूँगा तो 10-12-1 बजे तक वापस यहाँ आ जाऊँगा, टच हो जाऊँगा। फिर आके जिम विम जाएंगे शाम को और फिर ये फ्लाइंग विश देने जानी है अपने घर पे है ना पापा को, क्योंकि पापा के परसों से जाना है स्कूल इसलिए है ना। और बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट होगी, देखो तेज़ बारिश स्टार्ट होगी। मैं सोचा था रेनकोट पहन के घूमने निकलूँगा तो ये लेके जाऊँगा अंदर वो पाउच करके ऊपर रेनकोट पहन लूँगा, पर रिस्क नहीं लेंगे अपन, अब रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जाऊँगा तो इसे फ़ोन लेके जाऊँगा और देखते हो सका तो इसको पूरे थैली में पैक करके लेके जाएंगे और कहीं ऐसा होगा तो ब्लॉग जरूर बनाएंगे ना। तो थोड़ा सा अपन एडवेंचर करके आते हैं सिटी में, ऐसा कोई एडवेंचर करने नहीं जा रहे बट चलो थोड़ा सा ऐसे घूम के आते हैं यहाँ आसपास ही कहीं जा नहीं रहे, जैसे गोर्धन सागर में आसपास घूमेंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको जरूर बताएंगे, पर फोन से शूट करेंगे, कैमरा ले जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। और कैसा लग रहा है देखो है ना, ये बिल्कुल ऐसा है जैकेट जैसा है पूरा रेनकोट है ना, उसके अंदर पानी जा ही नहीं सकता। तो चलो चलते हैं और फिर जाके मिलते हैं आपसे और फिर रास्ते मिलते हैं, जो भी होगा बताते हैं आपको। तो अपन आगे फतेह सागर है ना, अभी बारिश रुकी तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग कर लेते हैं है ना, बहुत अच्छा सा लग रहा है और अभी भी खाली है सब इधर और चारों तरफ लाइट दिख रही होगी, इधर से गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही है मस्त। और अभी बस आज कुछ ऐसा करने का हो गया, मैं क्या सोचा मैं क्या चलो ऐसे कर लेते और क्या करें ना, बारिश में ही चले जाते घूमने मस्त। और देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना, सब गाड़ियाँ वाड़ी जा रही है। तो सीधे रानी रोड से अपन आ गए सेक्टर में है ना, सेक्टर में आ गए वैसे यहाँ पे खड़े कुछ पार्सल पिक करा रहे है ना। और अभी है अपन चौधरी हॉस्पिटल के सामने, पूरा चौधरी हॉस्पिटल है ना। और आज बारिश बहुत अच्छी खासी हुई, शूट नहीं कर पाए पर चलो कोई बात नहीं, कल करेंगे कल है ना, कल भी थोड़ा सा बंद रहेगा ठीक रहेगा मामला, नहीं तो फिर मोटो ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी। तो अभी जस्ट आए अपन है ना, इतनी तेज़ बारिश में भी घूम के आया मस्त, बिल्कुल भीगे नहीं कुछ भी नहीं, बस पेंट भीगी, बाकी ऊपर रेनकोट पहन रखा था, मज़ा आ गया, रेनकोट भी यार शानदार था है ना, बिल्कुल भी भीगा नहीं। और अभी बारिश चल रही है और है ना, सबसे पहले रेनकोट है ना मान गया, बिल्कुल भी अंदर से निकला 1% भी गिला नहीं, सिर्फ नीचे वाला मैंने पजामा नहीं पहना था, बाकी जीन्स पहन के गया था इसलिए, लेकिन पजामा फिर ऑर्डर करता नहीं, मज़ा भी नहीं आता मेरे कहा से ऊपर ऊपर अपने गिले नीचे पैरों में चल जाएगा है ना। तो जीन्स जीन्स गिली हुई, बाकी जाके आए फतेहसागर गए सेक्टर में गए, मतलब अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल अच्छी बारिश हो रही थी उसमें, ऊपर हेलमेट पहन लिया देखो कुछ भी नहीं, देखो जैसे गए थे वैसे वापस आए ना। और बारिश बहुत अच्छी हो रही है, अच्छा मज़ा आ रहा है, बारिश ऐसी हो रही है तो अब दिल को थोड़ी शांति पड़ रही है, सब भर जाएगा है ना, सब भर जाएगा, अब भरेंगे सब है ना, सब तालाब वालाब अब भरेंगे। तो चलो अच्छी बात है, बारिश हो रही है। और अब अपने दिन में घर से आई थी पूड़ियाँ, तो पूड़ी पड़ी हुई है, मैं बना रहा था छोले, छोले पड़े हुए, छोले दिन के खाए नहीं मैंने, बना ही नहीं है ना, वो बॉइल पड़े हुए वो बना लेते अपन एक बार है ना। तो अपन अब खाना खा रहे हैं ना, ये अपने छोले और पूड़ियाँ, दिन में भी पूड़ी खाई थी घर से आई हुई थी है ना, घर से आई हुई थी पूड़ी, तो दिन में भी पूड़ी खाई थी, तो अभी बच भी देखने का छोले पूड़ी खा लेते, आज तो बिल्कुल जिम की बैंड बच गई, जो भी चलो ठीक है कोई बात नहीं, खाते रहेंगे और बॉडी बनाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रखते रहेंगे, कभी कभी खाते हैं इतना कोई खाते हैं नहीं अपन, तो खाना वाना खा लेते हैं और खा के फिर मिलते हैं। और वीडियो कैसी लगी अच्छी? तो खाना वाना खा लिया अपन ने, अब आ रही नींद है ना, और एडिटिंग भी करनी, सब काम है एडिटिंग करना, ये वो सब काम है वो कर लेते अपन, एक बार एडिटिंग हो रही है। और तो मिलते हैं आपको नए दिन में नए व्लॉग के साथ। तो वीडियो कैसी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कल की वीडियो मज़ेदार होने वाली है, बारिश में होने वाली है, किसे क्या है जो है वो सब कल पता चलेगा। तो आपको मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तो चलो बाय, गुड नाइट है ना।